आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी, इसकी एक पाठशाला द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण प्रसाद और स्वास्थ्य संबंधित मार्गदर्शन मनुष्य को। आज दूसरा दिन मैं बात करूंगा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मैंने बताया कि जो जीवन है, बेहतरीन जीवन की जो खोज है, उसके लिए समझना है जीवन का स्वरूप जो प्रकट हो रहा है शरीर के रूप में, मन के रूप में और आत्मिक तरंगों के रूप में। मन को अगर हम व्याख्यायित करना चाहे तो मन का अर्थ है इच्छा। इच्छा को और गहराई से समझे तो उसका अर्थ है अभाव। अभाव का अर्थ है जो कुछ भी है, जो परिस्थिति है, जिसमें अभी हम है उसमें राजी न रहना, कुछ और की मांग, जो भी है उसमें असंतुष्ट रहना, इस स्वरूप को हम इच्छा कह सकते हैं। और ये इच्छा को तृप्त करने के पीछे जब तक हम जानते नहीं मन को, तब तक तो इच्छा हमें ऐसे ही घसीट जाती है। हमें पता नहीं कि इच्छा और हम एक नहीं है, शरीर और हम एक नहीं है, हम शरीर से ऊपर है। ये जानना है बेहतरीन जीवन जीने के लिए जो रहस्य जानना है वो ये जानना है कि हम मात्र शरीर नहीं है, न हम मात्र मन है।
जिसको हम पूरा जान लेंगे, पूरा जिसका स्वरूप हम समझ लेंगे, उससे हम पार हो जाएंगे। तो जो मन है उसका पूरा स्वरूप आप समझने लगोगे, इच्छा जो है, अभाव जो है, जीवन का अभाव है, कि जो कुछ भी हम है, जिस परिस्थिति में हम है, जिस व्यक्तियों के साथ है हम है, उसमें कुछ हमें चुका हुआ लगता है, और जो हम खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं जो हम, और जब वो हाथ में आता है वो हमें तृप्त नहीं कर सकता। तृप्त हमें वो कर सकता है जो हमारा अपना है। तुम समझो इस बात को, जो तुम्हारा अपना नहीं है वो तुम्हें अगर मिल भी जाए वो तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तृप्ति है वो आत्मा का लक्षण है। तुम ऐसा समझो, मन का जो स्वभाव है वही अभाव है। मन को इस तरह से समझो कि वो अभाव है। अगर तुम मन को जानने जाओगे, तुम समझना चाहोगे कि विचार हैगा, विचार है क्या, विचार कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर तुम उसके पीछे चलोगे कि चलो मैं खोजता हूं कि विचार कहां है, शरीर की संवेदना है कहां, भाव कहां है, टाइप ऑफ मूड जिसे हम कहते हैं वो कहां है, जिसको मैं कहता हूं कि असत्य, असत्य का जो स्वरूप है वो इस तरह से, शरीर की संवेदना, विचार और भाव, ये पूरा असत्य, असत्य का विस्तार, असत्य का अर्थ है जो अभी एक है अभी बदल जाएगा, जो कायम नहीं है वो असत्य। उसको अगर तुम खोजने चलोगे अपने भीतर कि कहां है, चलो विचार, तुम्हारे भीतर एक विचार पैदा होता है, तुम उसके पीछे चलो, तुम्हारे भीतर जैसे जैसे दर्शन की क्षमता बढ़ती है विचार अलोप हो जाता है, शरीर की संवेदना अलोप हो जाती है, भाव की संवेदना अलोप हो जाती है, क्योंकि वो आत्मिक शक्ति है, उसका ही स्वरूप है। जब तक भीतर दर्शन की शक्ति नहीं जागती, ये तरंगे उठती रहती है हमारे भीतर। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति जागती है, वही विचार की शक्ति दर्शन की शक्ति में रूपांतरित हो जाती है, वही शरीर की शक्ति दर्शन की शक्ति में रूपांतरित हो जाती है, वही भाव की शक्ति दर्शन की शक्ति में रूपांतरित हो जाती है, देखने की शक्ति, देखने की आंख हमारे सबके भीतर है। बेहतरीन जीवन जीने का जो मार्ग है वो है असत्य से अंतर बनाना, जो कायम नहीं है उसके साथ संबंध नहीं रखना है। जीवन के दुख, जीवन के पीड़ा, जीवन के संताप, हताशा, निराशा, जो हमें कन्नड़गत कर रहा है उसका अर्थ है कि हमारा संबंध असत्य से है, जो कायम नहीं है, विचार, भाव, शरीर, शरीर की संवेदना। शरीर भी कोई जड़ चीज नहीं है, चीज नहीं है, शरीर कोई वस्तु नहीं है। शरीर प्रतिपल, शरीर ऐसी घटना है कि जब तुम शरीर को समझने जाते हो पता चलता है शरीर प्रतिपल घटता है, बनता है, शरीर मिटता है, बनता है, ऐसा समझो। प्रति उच्छ्वास के साथ हमारी मृत्यु होती है, प्रत्येक उच्छ्वास के साथ। मृत्यु को अगर तुम ठीक से समझो तो मृत्यु है क्या? एक समय आएगा कि फिर हम सांस नहीं ले सकेंगे, उच्छ्वास जो गई वो गई। तुम हजार प्रयत्न करोगे कि एक छोटी सी सांस नहीं आएगी, बस उस शरीर का मृत्यु घट गया। और ये मृत्यु प्रतिपल हो रहा है, प्रत्येक उच्छ्वास के साथ मृत्यु होता है, हम मर जाते हैं पता नहीं चलता, ये सूक्ष्म मृत्यु है, हमारे साथ घटित होता है पता नहीं चलता, और प्रत्येक सांस के साथ जन्म होता है, एक नया जीवन मिलता है प्रत्येक सांस के साथ, और प्रत्येक उच्छ्वास के साथ जो पुराना है वो मर जाता है, मिट जाता है। एक क्षण में मौत नहीं आती, ये जो प्रक्रिया है पूरी जन्म और मृत्यु की, हमारे प्रत्येक सांस के साथ। तुम जन्म में देखो क्या हुआ, जन्म में सांस आई भीतर, फिर सांस उच्छ्वास चालू हो गए, और अंतिम घटना उच्छ्वास, बस बार ठहर गई वो ठहर गई, और ये घटना प्रतिपल हमारे साथ बनती है। हमारा जो पूरा मन है, पूरा मन इच्छा, उसका संबंध है हमारी सांस उच्छ्वास के साथ। जैसे तुम्हारी सांस उच्छ्वास लयबद्ध होती जाती है, जैसे तुम्हारी सांस उच्छ्वास गहरी होती जाती है, शांत होती जाती है, मन अपने आप विलीन हो जाता है।
मन से किस तरह से मुक्त होना है और सत्य से जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, जहां से तुमने समझना शुरू किया, जहां से तुम्हारे कान पर यह बात आनी शुरू हुई, तुम्हें पूरा ध्यान देना है कि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, हम जीते जाए तो हमारा संबंध सत्य के साथ बनना चाहिए। हम स्वयं सत्य हैं, हम स्वयं कायम हैं। वो अनुभव हमें करना है कि हम कायम हैं, हम मिट नहीं सकते। हमें वो अमृत को पाना है। ये जीवन की सार्थकता तब प्राप्त होती है हमें। सच में तो जीवन प्राप्ति तब होता है कि उस अमृत को हम जानते हैं, स्वयं अनुभव करते कि अब मेरा मिटना संभव नहीं। कुछ भी हो जाए, मिट जाता है तो शरीर मिट जाएगा, मैं नहीं मिट सकता। और शरीर मिटे इससे पहले हमें जो समझना है वो है इच्छा का मृत्यु, जिसे मैं कहता हूं महामृत्यु। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा से अंतर बनाना। इच्छा को जो हम एक हो गए हैं, हम और इच्छा, ऐसा नहीं है हम इच्छा नहीं है, हम इच्छा से ऊपर है, हम देखने वाले। लेकिन जब तक हमें यह पता नहीं है तो हम विचार के साथ, हमारा तादात्म्य हो गया, हम एक हो गए विचार के साथ, हम भाव के साथ एक हो गए। हमें लगता है कि बस मैं भाव नहीं हूं, मैं भाव से कुछ और हूं, मैं भाव को देखने वाला हूं, भाव मुझसे है, भाव मेरे में से प्रकट होता है, हमारे में से प्रकट होता है भाव, विचार हमारे में से प्रकट होता है। पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर ये हमसे प्रकट होता है। जब तुम जानते हो ये अनुभव, तब तुम्हें पता चलता है कि जो शरीर का निर्माण होता है वो हमारी स्वयं की शक्ति से निर्माण होता है। जब पूरी की पूरी इच्छा विलीन हो जाती है, पूरी की पूरी इच्छा विलीन समाप्त हो जाती है, न तुम्हें कुछ जानने को रहा, न तुम्हें कुछ पाने को रहा, केवल विस्तार का तुम अनुभव करते हो, केवल विस्तार का। कोई भी तरंग न बची भीतर, न कोई तरंग जगी, न कोई तरंग मिटी, इतना पूरा विस्तार का जब तुम अनुभव कर लेते हो, उसके बाद इच्छा संभव नहीं। बस ये मनुष्य रूप में अंतिम जन्म हो जाता है, जिसे हम कहे तो ये मनुष्य रूप में अंतिम जन्म हो जाता है। किस तरह से इसे हमें प्राप्त करना है, ये खाली सैद्धांतिक बात नहीं है जो मैं कहता हूं। जिसने जाना उसने पूरा जाना कि इस तरह से शरीर से अंतर बनाया जा सकता है, इस तरह से मन से अंतर बनाया जा सकता है, इस तरह से भाव से अंतर बनाया जा सकता है। और ये कुछ अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें शरीर के साथ अंतर बनाने के लिए कुछ एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इच्छा के साथ अंतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ और प्रक्रिया करनी पड़ेगी, भाव के साथ अंतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ और प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। एक के साथ तुम्हारा अंतर बना, एक के साथ समझो कि शरीर के साथ तुम्हारा अंतर बना, इसके साथ तुम्हारा विचार के साथ अंतर बना, इसके साथ तुम्हारा भाव के साथ अंतर बना। ये तीनों साथ चलते, ये तीन तरंग साथ में होती है। ऐसा नहीं है कि विचार की तरंग एक है, शरीर की संवेदना कुछ अलग है, भाव की संवेदना कुछ अलग है। हम समझ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, जो जीवन के साथ साथ हमारा मन डावाडोल हो जाता है, इतना अस्वस्थ हो जाता है मन, इतना अस्वस्थ हो जाता है कि आजकल जो हमें उपाय खोजने के लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती, नींद उठ जाती है, जीवन का एक समय आता है, सबको आता है, सबको, कोई नहीं बच सकता, कोई। जिसे तुम कहते हो बुद्ध, जिसे तुम कहते हो भगवान, जिसे तुम कहते हो पैगंबर, जिसको तुमने नाम दिया गॉड, ये सारे के सारे इसी रेगिस्तान से निकले। एक ही रेगिस्तान है जीवन का, एक ही रेगिस्तान, एक ही आग है। और तुम समझो उस आग से बायपास करने की नासमझी में मत पड़ना। जो हताशा है, जो निराशा है, जिससे हम घबरा जाते हैं, जो भय है, जो चिंता है, उससे हम घबराते रहते हैं। लेकिन एक क्षण आती है कि कोई मार्गदर्शन शुरू हो जाता है, हो ही जाता है। तुम जहां भी हो, जिस हालत में हो, उसके लिए जो मार्गदर्शन तुम्हें चाहिए,
तुम्हें मिल ही जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक को मिल जाता है जो यात्रा करना चाहता है। तुम्हारे पर है कि तुम्हारी कितनी प्यास है यात्रा में, ऊर्ध्वगामी जो गति है जीवन की उसमें कितना रस है तुम्हें, सच्चे अर्थ में जितना रस है तुम्हारा उतना मार्गदर्शन तुम्हें मिल ही जाता है, उतनी शक्ति भी तुम्हें मिल जाती है। तुम समझो इस जगत में दो प्रकार की शक्ति तुम्हें खींच रही है, एक जो जीव है उसे खींच रही है अधोगामी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति, अधोगामी का अर्थ है नीचे की ओर शक्ति खींच रही है, नीचे की ओर शक्ति खींच रही है, जिसका संबंध है मृत्युलोक के जन्म के साथ। मृत्युलोक में जो हमारा आवागमन होता है उसका संबंध है नीचे जो शक्ति खींच रही है, काम केंद्र की ओर जो हम जा रहे हैं हमारी शक्ति जा रही है, यह दिखाती है कि अभी जन्म है उसके साथ इच्छा का संबंध है। और जब तुम्हारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तो एक शक्ति ऐसी है जो कि ऊपर की ओर खींचती है, आकाश की ओर खींचने वाली शक्ति है, ये ऊर्ध्वगामी शक्ति है। जैसे जैसे हम भीतर से शुद्ध होते जाते हैं भीतर से, वैसे वैसे तुम्हें पता चलता है कि वो सूक्ष्म शक्ति है लेकिन उसका भी अपना एक फोर्स है, उसकी अपनी एक ताकत है। जिस तरह से नीचे की शक्ति की खींचती है हमें, नीचे की शक्ति हमें खींचती है उसकी ताकत है, उसी तरह से ऊर्ध्वगामी शक्ति है, आकाश की ओर खींचने वाली शक्ति है, उसकी भी अपनी ताकत है। जब तक हम भारे भरखम है, जब तक हम भारे भरखम है, ऊर्ध्वगामी शक्ति तो प्रतिपल काम कर रही है हमारे पर, अधोगामी शक्ति भी प्रतिपल काम कर रही है। यह अस्तित्व का सत्य है, अस्तित्व जो है, जो प्रकट हुआ अस्तित्व है, इसमें जो जीवन चल रहा है यह किस तरह से काम कर रहा है वो मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं कि इस तरह से काम हो रहा है हमारे ऊपर प्रतिपल। हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी काम कर रही है और आकाश की ओर से आने वाली जो शक्ति है ऊर्ध्वगामी शक्ति जो ऊपर उठाती है, हमें ऊपर उठाती है, वो भी काम कर रही है। अगर हम भीतर से भारे भरखम है, हैवीनेस जिसे तुम कहे, हैवीनेस तुम्हें पता चलता है, भाव का अपना भार होता है, तुम समझना, विचार भार भार करता है, तुम भीतर से भार भार भी अनुभव कर सकते हो और भीतर से निर्भार होने का भी अनुभव कर सकते हो, सब कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। हम भीतर से हैवी हो जाते हैं, भार भार, जीवन इतना बोझिल लगता है, इतना है कुछ भी नहीं फिर भी बोझ लगता है। नया सूर्य आ गया, पंछी गाने गा रहे हैं, वो भी फ्रेश, ऐसा नहीं कि कोयल जो आज गा रही है वो कल का ही रिपीट कर रही है, ना, वो नया ही गा रही है। हमारा मन है वो पुनरावर्तित हो रहा है, पुनरावर्तित हो रहा है, इसलिए हमें नहीं लगता है ताजा ताजा। हमें डलनेस जो लग रही है वो हमारे कारण, हमारी अशुद्धि के कारण। जैसे जैसे हम भीतर से शुद्ध होने लगते हैं, भीतर से शुद्ध होने लगते, शुद्धि को प्राप्त करते जाते, भीतर से निर्मल होते जाते, हल्के होते जाते भीतर से, उसके साथ हम अनुभव करते कि कोई एक शक्ति ऐसी है जो ऊपर खींचती है, अपने आप खींचती है। और जैसे जैसे तुम शुद्ध होते जाते हो भीतर से, तुम्हारी शक्ति ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। जो मैं तुम्हें कहता हूं कि जो ताजगी का अनुभव है दिन में कभी भी उसे खोना नहीं है। जो शरीर है, शरीर का अस्तित्व है, जो शरीर से हमारा प्रागट्य है, उसके साथ सदा जोड़ना है ताजगी, फ्रेशनेस, कि कितने क्षण हम ताजगी का अनुभव कर सकते हैं पूरे दिन में। और दिन को लेना है पूरा दिन, उसे हाथ में से जाने नहीं देना है, उसके साथ उस दिन में बनती हुई सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ हमारा संबंध बनता है पूरे दिन में, इसका जो असर आता है हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे भाव के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, इसे पूरा जानना है, पूरा जानना है। जहां जहां भी तुम्हें भागने की इच्छा हो रही है, भागने की, उसे बदलना है जागने में, उसे दर्शन की शक्ति में बदलना है, कि जहां ये मन भगाता है और कोई नहीं, आत्मा को कहीं भागना है ही नहीं, आत्मा तो ठहरी हुई स्पेस है, जीवंत जगह भीतर की, उसे कहीं भागना नहीं। लेकिन जो मन है वो सेचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है,
जो कंटाड़ा आता है, जो भार लगता है जीवन का, जो भार लगता है, बोझमय जीवन लगता है, उसका इतना कारण है कि जरूरत से ज्यादा शक्ति विचार को मिल गई। शरीर बीमार हो जाता है जब जरूरत से ज्यादा शक्ति शरीर को मिल जाती है। आज की जो भी बीमारियां हैं इस पृथ्वी पर, जितनी भी बीमारियां हैं, उसका कारण है जरूरत से ज्यादा शरीर को, जो शरीर के लिए जरूरी ही नहीं थी शक्ति, जो पदार्थ शरीर के लिए जरूरी नहीं थे, ऐसे पदार्थ हमने शरीर को दे दिए। इसके कारण शरीर बीमार हो जाता है। जरूरत से ज्यादा शरीर को मिल गया, इतना जरूरी नहीं है शरीर को, बीमारी से पता चल जाता है कि जरूरत से ज्यादा हो गया तो शरीर बीमार हो जाता है। जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था, ऐसा कुछ भी तुमने डाला तुम्हारे भीतर जो जरूरी नहीं था, तो तुम्हारे भीतर बीमारी पैदा करता है, अस्वस्थ हो जाता है शरीर, क्योंकि शरीर की जो क्षमता थी उससे ज्यादा मिल गया शरीर को। और सबको मिलता है, यह ऐसा रहस्य है, मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर जो है, तुम मात्र शांत भोजन करना शुरू करो कि तुम जिस परिस्थिति में तुम्हें जो भी भोजन मिल रहा है तुम शांति से खाना शुरू करो, कि यह बात कितनी सच है। वैसे तो यह पूरा का पूरा विषय है, वो है स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का, फिर भी यह तो हमारी समझने की बात है। मैं तुम्हें विस्तार दे रहा हूं, समझ का अर्थ है विस्तार, पूरा जानना, इसलिए मैं अलग अलग स्कूल अलग अलग प्रकरणों से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन ऐसा रहस्य है कि तुम्हारे सामने जो भी भोजन आता है उसको तुम ठीक से लेना शुरू करो, ठीक से। और ऐसा रहस्य है कि तुम्हारे लिए अगर जरूरी है स्वीट मिष्ठान, जरूरी लिए तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी है मिष्ठान, अपने आप तुम्हारी थाली में मिष्ठान आ जाएगा। ऐसा रहस्य, हम अशांत हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं मिलता है, तो समझो बराबर कि अभी वो जरूरी नहीं होगा। इस तरह से अस्तित्व हमें संभाल रहा है। इसको तुम जानना शुरू करो कि ये बात सच है, मैं जो तुम्हें ये कहता हूं, ये जो बात तुम्हें कहता हूं, ये सच है या गलत है। तुम जानना शुरू करो कि ये बात सच है कि नहीं। ऐसा हर एक चीज में, तुम्हारे लिए अगर गर्म कपड़े की जरूरत है, तुम्हारे पास नहीं है, कभी तुम ऐसा करो कि न मांगो, मत मांगो, अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो कि वो देता है कि नहीं देता है। ये भी जीवन का एक प्रयोग है, जीवन प्रयोग है, जितने भी प्रयोग है तुम्हें यहां ही करना है। ये करने के लिए तो हमने जन्म लिया है, चलो जीवन को जानने के लिए तो जन्म लिया है, अलग अलग कोनों से पूरे जीवन को जानना है, पूरे जीवन को हाथ में से कुछ नहीं जाने देना है, कुछ नहीं जाने देना। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं, मैं तुम्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहता हूं जीवन के लिए, कि किस तरह से हमें जीवन को जानना है, प्रतिपल जो हमारे साथ घट रहा है उसमें से हमें किस तरह से मोती को चुन लेना है। कचरा नहीं चाहिए भीतर, कचरा बहुत हो गया, कचरे को साफ करना है। जो भीतर का दुख है, जो भीतर की पीड़ा है, भीतर का संताप है, वो नहीं चाहिए, बहुत हो गया। इसके साथ खिलवाड़ा बहुत हमने खेल लिया, हमने बहुत खेला इसके साथ। हमें अपने को भी शुद्ध करना है, जो जीवन का परम स्वाद है वो लेना ही है, हमें भी लेना है और औरों को भी बांटना है, औरों को भी सिखाना है कि किस तरह से जीवन का स्वाद लिया जा सकता है। जीवन बेस्वाद नहीं है, जो जीवन बेस्वाद लगता है हमारी नासमझी के कारण, कि किस तरह से जीवन प्रकट हो रहा है, किस तरह से जीवन अपना काम कर रहा है, किस तरह से अस्तित्व काम कर रहा है। इसकी पाठशाला में हमने एडमिशन दिया है, मिल गया हमें एडमिशन, देखो मिल गया तो कुछ तो लायकात होगी हमारी, तब हमें बुलाया गया इस पृथ्वी पर। तो अब जान लेना है कि किस तरह से अस्तित्व काम कर रहा है। तो जहां भी अस्वस्थता है, अस्वस्थ, अस्वस्थ का अर्थ है केंद्र से दूर हो जाना, समझो। जो शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ है केंद्र में होना, केंद्र मतलब आत्मा, हमारे स्वयं में होना, उसका अर्थ है स्वस्थ। वो जो ठहरने की प्रक्रिया है उसे हम कह सकते हैं स्वस्थ होना, स्वस्थता। और स्वस्थता का अर्थ है केंद्र को छोड़ देना, और केंद्र को छोड़ देने का इतना ही अर्थ है कि हमारा तादात्म्य जो है, हमारा अटैचमेंट जो है, वो या तो विचार के साथ हो जाता है, या तो भाव के साथ हो जाता है,
या तो शरीर की संवेदना के साथ हो जाता है, और तीनों अलग नहीं। कभी हमें शरीर की संवेदना हैरान करती है, कभी हमें टाइप ऑफ मूड भाव हैरान करता है, कभी हमें विचार हैरान कर रहा है। जो असत्य मैं कहता हूं कायम नहीं है, उसके साथ संबंध हो जाना वो हैरानी है। हमारे भीतर जो हमारी क्षमता है, देखने की क्षमता है, आत्मा की जो शक्ति है वो देखने के स्वरूप में, जब तुम्हारे भीतर दृष्टा की शक्ति जागती है, दर्शन करने की क्षमता बढ़ती है, जैसे जैसे तुम ध्यान देना शुरू करते हो वैसे वैसे तुम्हारा अंतर बनता है, विचार से, भाव से, शरीर की संवेदना से, मन से तुम्हारा अंतर बनता है। मन और तुम अलग होते जाते हो, इच्छा और तुम, विचार और तुम, दोनों के बीच तुम अंतर पाते हो। कभी अंतर पाते हो, किस तरह से यात्रा होती है। पहले तुम जब कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें विचार हैरान करते हैं, भाव हैरान करते हैं, शरीर की संवेदना हैरान करती। जैसे 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 तुम देखने की जो प्रक्रिया है, भीतर जो देखना है उससे तुम परिचय बनाना शुरू करते हो, तुम देखने की प्रक्रिया जो है उस पर तुम ध्यान देना शुरू करते हो, इसके साथ ही अंतर होना शुरू होता है। अंतर इतना समझना है कि अगर मुझे कुछ भी हैरान कर रहा है, हैरान कर रहा है, तो उसका इतना ही अर्थ है कि अभी मैं उसके साथ अंतर नहीं बना सकता, मेरी अभी दर्शन की क्षमता उतनी नहीं है। अगर कोई विचार मुझे अभी हैरान कर रहा है, समझो, या कोई भाव मुझे हैरान कर रहा है, या शरीर की संवेदना भी मुझे हैरान कर रही है, तो उसका इतना मात्र अर्थ है कि मेरी दर्शन की क्षमता इससे आगे नहीं है। कुछ भी हैरान करता है जब तुम्हें, जिसे हम कहते हैं पीड़ा, संताप, बोझ, कंटाड़ा, कुछ भी हैरान करता है, कुछ भी जिससे जीव हैरान हो रहा है, भीतर हैरान हो रहा है, उसका इतना मात्र अर्थ है कि अभी दर्शन की शक्ति को और जगाना है। और ये इसकी निशानी है, साधक को ये जानना है कि अगर तुम्हें मन हैरान कर रहा है, कहीं पर तुम्हें विचार हैरान कर रहा है, कहीं पर तुम्हें भाव हैरान कर रहा है, कहीं पर तुम्हें शरीर की संवेदना हैरान कर रही है, तो भीतर जो हमें काम करना है वो इस तरह से करना है कि किस तरह से हम दर्शन की शक्ति को जगाए भीतर से। हमें जो हमारा ध्यान देना है ये इस पर देना है कि दर्शन की शक्ति को हम किस तरह से भीतर जगाए। जितनी भी प्रक्रिया है इस पृथ्वी पर, चाहे वो ध्यान के मार्ग की प्रक्रिया हो, चाहे वो भक्ति के मार्ग की प्रक्रिया, कुछ भी हो, छोटी मोटी जो भी प्रक्रिया है, एकटाणा करना, उपवास करना, नाचो कूदो, चिल्लाओ, जो भी प्रक्रिया है, उसका अर्थ है भीतर कि जो अराजक शक्ति है, जो मन के स्वरूप में प्रकट हो जाती है, जो शरीर की संवेदनाओं में प्रकट होती है, जो भाव के रूप में प्रकट होती है, जब तक हम अनजान थे, जब तक हम अनजान है, तब तक हमें जो हैरान करने वाली बात है हमारे भीतर, उसे हम पोषण दे रहे और वो बढ़ाते हैं। हम हमारे बगीचे में हम स्वयं बोते हैं कांटा, रोज बोते, उसे हम पानी दे रहे रोज। जो हमें हैरान करने वाली बात है उसे समझना है, मुझे क्या हैरान करता है, मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि ये चीज मुझे हैरान कर रही। और हम जो ईंधन दे रहे हैं उसे है ईंधन दे रहे कि अगर मेरे भीतर ईर्ष्या जन्म रही है तो पहले तो मुझे हैरान कर रही। अगर ईर्ष्या का मेरे भीतर जन्म हो रहा है तो वो मुझे हैरान कर रहा है पहले, बाद में किसी और को नष्ट करेगी वो शक्ति। क्रोध अगर मेरे भीतर जन्म ले रहा है तो पहले वो मुझे नष्ट करेगा, मेरे भीतर की जो शक्ति है उसको डावाडोल कर देगा क्रोध। अगर मैं दुश्मन हूं तो सबसे पहले मैं मेरा दुश्मन, तुम नहीं हो सकते मेरे दुश्मन। अगर कोई भी दुश्मन है मेरा तो मैं स्वयं, मैं ईंधन दे रहा हूं, मैं पोषण दे रहा हूं कि मेरे भीतर क्रोध जन्म रहा है। जब तक मैं अज्ञानी हूं, जब तक मैं नहीं जानता, तो मैं उसे पोषण दे रहा, मैं ईर्ष्या को पोषण दे रहा हूं, मैं द्वेष को पोषण दे रहा हूं। और ये सारे भाव औरों को हैरान बाद में करेंगे, पहले ये मुझे नष्ट करेंगे। अगर हमारा जो जिसने जाना उसने ऐसा जाना कि हम स्वयं ही हमारे परम मित्र हैं, हम स्वयं
अगर हम इस ये जो सारी अशुद्धि है उसमें से हमने मुक्त कर दिया अपने को, इस दिशा में हमने अपने को जगा दिया, उठा दिया, तो हम हमारे मित्र, परम मित्र। और अगर हम न उठा सके, हमने हमें हैरान करने वाले जो राक्षस है हमारे भीतर, जो अराजक शक्ति है, उसको हम पोषण देने लगेंगे, तो वही शक्ति हमें नष्ट कर देती है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा दुश्मन है अगर कोई हमारा, तो हम स्वयं। साधक को इस तरह से लेना है जो धर्म की दिशा में निकलता है, सत्य के रास्ते पर जिसे आगे बढ़ना है, उसे कभी और को दोष देना ही नहीं है, देना ही नहीं। जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा भाव है, इसके साथ औरों के भाव भी जुड़े हुए हैं, और विचारों के तरंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मन का एक रूप है, उसे कहा जाता है वैश्विक मन। पूरे विश्व का एक मन है, पूरे विश्व का। जैसे मेरे भीतर एक विचार की तरंग उठती है, वो मेरे भीतर से आपकी ओर जाती है, आपके अंदर भी प्रविष्ट होती है, आप में से फिर कोई और में जाती है, इस तरह से पूरी पृथ्वी पर चलता रहता है। तुम इस तरह से समझो जिस तरह से हमारी सांस उच्छ्वास, अगर मैं सांस लेता हूं तो वो तुम्हारी उच्छ्वास हो सकती, तुमने जो उच्छ्वास से बाहर फेंका वो मेरी सांस हो जाएगी, मैं जो उच्छ्वास से जो वायु मेरे शरीर से बाहर आएगा वो तुम्हारी सांस हो जाएगी। ऐसे पूरे विश्व में चलता है, अंदर से हम सब एक है। देखो तुम इस तरह से हमारा नेटवर्क है पूरे अस्तित्व में, इस तरह से हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर वनस्पति, हम इस तरह से जुड़े हुए। इसी तरह से शरीर की संवेदनाओं का असर आता है। एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आकर तुम्हारे साथ बैठता है तो उसकी शरीर की तरंग है, बीमार तरंग है, वो भी तुम्हें असर करती है, पता नहीं चलता। सब शरीर की अपनी एक विद्युत है, उसकी तरंग है शरीर की, और वो प्रकट होती रहती है। इसी तरह से विचार की तरंग प्रकट होती रहती है और एक दूसरे में चली जाती है। मेरे विचार तुम्हारे भीतर जाते हैं, तुम्हारे विचारों की तरंग मेरी ओर आती है, मेरी भाव की तरंग होती है वो तुम्हारी ओर बहती है, तुम्हारे भाव की तरंग होती है वो मेरे ओर बहती है। तुम अलग अलग स्थानों पर जाकर रुको तो तुम्हें पता चलता है। कोई साधना क्षेत्र है जहां आत्मिक शक्ति को जानने का प्रयोग हो रहा है, वहां तुम ठहरो, वातावरण कुछ अलग होगा। तुम हॉस्पिटल में जाकर ठहरो, वहां का जो वातावरण होगा, वहां की जो तरंग होगी वो कुछ अलग होगी। तुम श्मशान में जाकर ठहरो, तुम कोई गृहस्थी के घर जाकर ठहरो, तुम कोई सन्यासी के पास जाकर ठहरो, तो हर एक जगह की जो ये सारी तरंग होगी वो अलग अलग होगी, और सब कुछ हमारे ऊपर असर करता रहता है, करता रहता है। बाहर से भी बीमार तरंगे, जब तुम बीमार होने लगते हो उसके साथ जो बाहर सब तरह की तरंगे, तुम समझो अनेक प्रकार की तरंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक अनेक प्रकार की, अनेक रूप में सूक्ष्म विद्युत है, शरीर की तरंगे, विचारों की तरंगे, भाव की तरंगे। जिस तरह से हमारे भीतर की स्थिति होती है, जिस तरह से तुम्हारी शरीर की स्थिति होती है, इस तरह की तरंग तुम्हारे शरीर को प्रभावित करती है। यहां स्वस्थ तरंगे भी है वातावरण में, और अस्वस्थ तरंगे भी है शारीरिक तल में, विचार के तल पर और भाव के तल पर, और कुछ अलग नहीं। ये तो खाली पूरा स्वरूप समझने के लिए, शब्द के माध्यम से समझने के लिए, शब्द से जो दर्शन की शक्ति को जगाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, शब्द से भी दर्शन की शक्ति को जगाया जा सकता है। ये मार्ग है जिसे हम दिव्य वाणी कहते हैं, उसका अर्थ है दर्शन की शक्ति को जगाना शब्द के रूप से। जब तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ती है, दर्शन करने की ताकत बढ़ती है, फिर कुछ अलग नहीं, ये सब एक है। जब तक दर्शन की क्षमता नहीं बढ़ती तो तुम इस तरह से भी दर्शन की क्षमता को प्राप्त कर सकते हो, समझ प्राप्त कर सकते हो। तो जिस प्रकार की हमारी अंदर की स्थिति है, हमें किस तरह से इस पृथ्वी पर काम करना है, ठीक से समझो कि एक तो ऐसा है कि जिस तरह से हमारा भीतर का जगत है, जिस तरह से हमारे भीतर की शुद्धि है, अशुद्धि है, इस तरह से बाहर की तरंग हमारे ओर खींचती है और हमारे पर उसका प्रभाव आता है।
अगर तुम समझो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तो वातावरण की जितनी भी नकारात्मक तरंगे हैं वो तुम्हारी ओर खींचती है। अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो रहा है, इस तरह से समझो कि अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो रहा है तो वातावरण में अनेक प्रकार के रोग के जीवाणु है वो तुम्हारे शरीर की ओर खींचते हैं तुम्हारे शरीर को, क्योंकि उसे पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा शरीर उसके लिए भोजन हो जाएगा। ये भोजन मिल जाएगा उस विषाणुओं को, उस बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवों को, वो हमारे शरीर पर ठहर कर भोजन करेंगे। अगर हम अस्वस्थ है, भीतर से हम बीमार हो रहे हैं शारीरिक रूप में, इसी तरह से जब तुम्हारा मूड खराब होता है, अच्छा नहीं है तुम्हारा मूड, तो ऐसी तरंगे खींचती है तुम्हारे भीतर। जिसकी अस्वस्थ तरंगे होती है, भारे भरखम तरंग होती है, उसका सेंटर तुम हो जाते हो, ये तुम्हारी ओर खींचती है। जब तुम्हारे भीतर अस्वस्थता का सर्जन होता है, तुम केंद्र से दूर हो जाते हो, तुम्हारे भीतर अशुद्धि का निर्माण होता है, अशुद्ध विचार चल रहे, भार रूप विचार, अशुद्ध विचार का अर्थ है जो विचार तुम्हें हैरान कर रहे हैं, ये अर्थ है इसका। जब ऐसा माहौल हो जाता है तो ऐसे बीमार विचार है, भार भार विचार है, वो भी तुम्हारी ओर खींचते। आज के जगत में किस लिए रेचन प्रक्रिया को समझना जरूरी है, कैथारसिस प्रक्रिया समझना जरूरी है हर एक को, किस लिए व्यायाम जरूरी है, शरीर का व्यायाम जरूरी है, सुबह शाम शरीर का व्यायाम जरूरी है। मैं आगे प्रकरण ले रहा हूं कि व्यायाम की समझ, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा किस तरह से तुम्हें व्यायाम को चुनना है और इस तरह से व्यायाम चाहिए। मैं व्यायाम की समझ तुम्हारे पास इस तरह से होनी चाहिए कि शरीर अगर डल हो रहा है, शरीर जहां डल हो रहा है उसको किस तरह से स्फूर्ति में लाया जाए। जो स्फूर्ति है वो आग है तुम्हारे भीतर, आग जगी, शक्ति जगी तुम्हारे भीतर, और जब आग जगती है उसमें कोई अशुद्धि बच नहीं सकती। जितनी आग अगर बाहर की ऐसी बीमार तरंगे है तो वो तुम्हें छू नहीं सकती। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आसपास का वर्तुल जो है, जिसे हम कहते हैं ओरा, चक्र, व्यक्तित्व का चक्र है अपना, जिस तरह से तुम तुम्हारे भीतर का वातावरण रखते हो, शुद्ध रखते हो, तो तुम्हारे भीतर का चक्र शुद्ध हो जाता है। अगर भीतर का वातावरण अशुद्ध है तो बाहर का चक्र डल है, अशुद्ध है, तो बाहर की अशांत तरंगे तुम्हें असर करती है। कोई अशांत व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, कोई बीमार व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, कोई अस्वस्थ व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, तो उसका असर हमारे पर पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे भीतर शुद्धि होती जाती है, तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ती है, फिर उसका असर नहीं आ सकता, फिर प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अगर ऐसी शक्ति भी तुम्हें छूने लगती है, नकारात्मक शक्ति, तुम्हें उसे बदल सकते हो, दर्शन की शक्ति। मनुष्य कहां चूक रहा है मैं तुम्हें स्पष्ट करूं। एक जीवन का एक पड़ाव आता है, सबको आता है, सबको, इसमें से कोई बाहर नहीं जाता। निराशा शुरू हो जाती है, निराशा जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, अच्छा नहीं लगना, ये शुरू होता है। एक पड़ाव आता है जीवन का जिसमें निराशा की तरंग तुम्हें छूती है, डिप्रेशन की तरंग तुम्हें छूती है, जहां से आज मनुष्य घबरा कर साइकेट्रिस्ट की मदद ले रहा है। एक ऐसा पड़ाव आता है कि तुम्हारे जीवन में से नींद उड़ जाती है। तुम जरा सोचो, नींद का उड़ जाना क्या है, जीवन में नींद का उड़ जाना का अर्थ क्या है, तुम जरा ये तो देखो हम कहां पर है। हम जिस लोक में है उसे मृत्यु लोक कहा गया। हम कहां जा रहे हैं तुम जरा देखो कि हम कहां, इस मृत्यु लोक में हम कहां जा रहे हैं, शरीर कहां आगे बढ़ रहा है, चलो कहां आगे बढ़ रहा है, जिसको तुमने भगवान कहा, जिसको तुमने पैगंबर कहा, जिसको हमने गॉड कहा, चलो किसका शरीर बचा। अगर जिसे हमने भगवान कहा, जिसने परमात्मा कहा, जिसको हमने परमात्मा माना, उसका शरीर भी नहीं बचा तो हमारा शरीर कैसे बचेगा, चलो ये मृत्यु लोक। इसमें से स्वयंभू ये घटना बनती है कि नींद उड़ जाती है तुम्हारे अंदर से कि हम जा कहां रहे। हम मन के घोड़े सवारी
करते करते हम कहां पहुंचेंगे? चलो, इच्छाओं पर घोड़े सवारी करते करते इस मृत्यु लोक में क्या प्राप्त कर सकते हो? चलो, हमसे आगे जो मनुष्य थे, धनवान, संपत्तिवान, पदवान व्यक्ति, उसने क्या क्या प्राप्त किया? चलो देखो जरा, किसने क्या प्राप्त किया या क्या किया जा सकता है यहां प्राप्त? तो स्वयंभू घटना होती है कि कहां हम जा रहे हैं, जगा देती है प्रकृति, हमें जगा देती है कि तुम सो नहीं। यीशु अपने शिष्यों को कहते थे, वो जब पूछते थे कि कब आएगा परमात्मा, वो कहते हैं जब तुम सो जाओगे तब। ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, शरीर आगे बढ़ता है, फिर इतनी निद्रा की जरूरत नहीं है। जब हमने जन्म लिया तो हमारे भीतर कुछ बन रहा था, शरीर बन रहा था, शरीर का निर्माण हो रहा था, अंदर से शरीर बन रहा था, पुष्ट हो रहा था शरीर को, अभी यात्रा करने के लिए उसे बनना है। तो उसके लिए निद्रा जरूरी है। तुम देखो तो छोटा बच्चा है, वो खाता रहता है, मल मूत्र निकलते रहते और सोता रहता है, वही करता रहता है करता रहता है। लेकिन एक समय के बाद न इतने भोजन की जरूरत है, न इतनी निद्रा की जरूरत है। और निराशा अगर आ रही है तो उसका कुछ कारण है। अगर आध्यात्मिक रूप में देखें हम, तो निराशा जो है ये भीतर का शरीर है, हमारे भीतर भी शरीर है, हमारे भीतर का जगत है। ये शक्ति हमारे भीतर अंतर्मुख हो जाती है। जब निराशा आती है, सिकुड़ जाती है, शक्ति सिकुड़ जाती है। अपने आप अंदर का मार्ग होता है, अपने आप अंदर का मार्ग होता है। और यहां से तुम्हारी धर्म की यात्रा शुरू होती है। जो जीवन की समझ है तुम्हारी, तुम जरा देखो कि कहां से शुरू हो गए तुम्हारे जीवन में, ये जीवन को जानने की समझ कहां से शुरू हुई? कहां से तुम्हें लगा कि चलो मुझे संन्यास ले लेना है, मुझे धर्म को जानना है, मुझे सत्य को जानना है, बुद्धत्व क्या है, परम मुक्ति क्या है? ये कहां से शुरू हो गया? तुम देखो जरा, तुम आंख को पीछे ले जाओ, कहां से ये शुरू हो गया तुम्हारे जीवन में, कहां से शुरू हो गया ये? तो जब तुम्हारे जीवन में तुम बराबर देखो कि ये बात सच है कि गलत है, जहां से हताशा ने तुम्हें छूने लगा, हताशा छूने लगी तुम, पीड़ा में लगने लगा जीवन, पीड़ा में तुम मार्ग खोजने लगे कि किस तरह से इस पीड़ा से मुक्त हो, इस हताशा निराशा से मुक्त हो। देखो अर्जुन कब जाता है कृष्ण के पास, कब जाता है? उससे पहले कृष्ण उसका मित्र है, वो मित्र की तरह मिलता है, वो गुरु की तरह नहीं मिलता कृष्ण कृष्ण को। अनेक बार अर्जुन और कृष्ण मित्र थे। जब तक अर्जुन को परम निराशा विषाद उसे घेरता नहीं है, तब तक वही कृष्ण उसके मित्र है। अर्जुन उसकी मजाक भी करता है, उसके साथ खेलता है, हंसी मजाक चलती है, जिस तरह से एक मित्र दूसरे मित्र के साथ करता है इसी तरह से। और जब उसे विषाद घेरता है, तब उसे पता चलता है कि ना, मेरे मित्र को विषाद नहीं घेर रहा है, वो इससे कुछ ऊपर है और मुझे विषाद घेर रहा है। तो उसे लगता है अब मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम देखो कि क्या क्या घटना हो गई इस पृथ्वी पर, किस किस तरह के संदेश है इस जगत में, किस तरह के संदेश। जितने भी जागृत गुरु हुए इस पृथ्वी पर, प्रबुद्ध व्यक्ति हुए, उसने किस किस तरह से संदेश दिया, देखो किस तरह से। तुम भगवद गीता उठाओ चलो, और तुम उसका प्रथम प्रकरण है, वो है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ है डिप्रेशन, कुछ अच्छा न लगना, ये इसका अर्थ है। चलो विषाद का मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं, अच्छा न लगना, जीवन बोझ में लगना, जीवन में मार्ग न मिलना, जीवन अंधकार में लगना, कंफ्यूज्ड माइंड, इतना इतना कंफ्यूज्ड कि हैरान परेशान कि क्या करूं मैं, कुछ पता न चलना, अराजक भीतर, भयंकर अराजकता, अंधेरा, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, सिकुड़ गई भीतर की शक्ति, सिकुड़ गई, कुछ अच्छा न लगना, सब कुछ हो फिर भी अच्छा न लगना,
संपत्ति हो, जो कुछ हम चाहे, बाहर के जितने पदार्थ जिसमें से हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, सब कुछ हो हमारे पास, सब कुछ, फिर भी अच्छा न लगना, ये विषाद। अर्जुन विषाद योग, यहां से गीता शुरू होती है। पूरी की पूरी जो गीता है, 18 अध्याय है इसके, इसमें एक अध्याय है अर्जुन विषाद योग, ये इसका बीज है, ये धर्म का बीज है। विषाद दुख पीड़ा संताप है, वो जीवन की परम समझ का बीज है। जो हम कहते हैं कि हमें हैरान करने वाली चीज है, फिर वो दुख हो, फिर वो पीड़ा हो, फिर वो संताप, जो कुछ भी हो जो मुझे हमें हैरान कर रहा है, ये बीज है। परम समझ का जो बीज है वो ये है। हम जीवन में देखते हैं कि कोई एक दिशा में हम काम कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, हम काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, निष्फलता ही हाथ में आती है, निष्फलता ही हाथ में, कुछ कारण है। यहां से अस्तित्व चाहता है कि अब तुम पीछे मुड़ो, बहुत हो गया। अपने आप अस्तित्व काम करता है, तुम्हारे साथ काम कर रहा है, हमारे हमें मार्गदर्शित कर रहा है, लेकिन उसके काम करने का ढंग ऐसा है कि जो घटना हमारे साथ बनती है, हर एक जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा मार्गदर्शन होता ही है। कभी ये पृथ्वी खाली नहीं रहती कि हमें मार्गदर्शन की जरूरत हो और हमें मार्गदर्शन न मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो मार्गदर्शन तो है ही, ये पृथ्वी पर चल ही रहा है, वो चल ही रहा है, हम उससे विमुख है, हम नहीं जान रहे। तब तक हम बाहर की दिशा में उलझे हुए थे, हम काम कर रहे हैं और उसमें निष्फलता शुरू हो जाती है। एक हद के बाद हम सफल नहीं हो रहे, ऐसा हो जाता है कि हम कुछ काम करना चाहते उसमें निष्फलता ही आता थी, काम करना चाहते निष्फलता ही आता। तो कुछ संदेश है हमारे लिए, और वो संदेश और कुछ भी नहीं, वो संदेश है कि अब तुम पीछे लौटो, पीछे अंदर जाओ, तुम तुम्हारे अंदर काम करो, तुम्हारे ऊपर काम करो, दर्शन की शक्ति को जगाओ तुम्हारे अंदर, ऐसा संदेश है। पूरी की पूरी जो मैं कहता हूं भगवत गीता कृष्ण, तब अर्जुन को पता चलता है, विषाद के बाद वो जानता है कि ये मेरा मित्र भगवान है। वो उसे जगत गुरु बाद में कहता है, उससे पहले नहीं। वो भगवत गीता में माफी मांगता है, क्षमा चाहता है कृष्ण की। जब वो अहोभाव से भर जाता है कि ओह ये मेरा मित्र, इसके पास इतनी शक्ति, दर्शन की क्षमता इतनी, तब उसकी वो क्षमा मांगता है कि जो अनजान मैं था, मैं तुझे नहीं जानता था, मैं तुझे सखा के रूप में ही समझता था, मैं मेरा मित्र ही जानता था, अनेक बार मैंने तेरी मजाक की, मस्ती की तेरे साथ, करते हैं। कृष्ण को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसके साथ कि तूने की तो की। ये तो अर्जुन का भाव है कि जब वो जानता है तो वो अहोभाव से भर जाता है कि ये मेरा मित्र और इसके पास इतनी दर्शन की क्षमता, इतना मार्गदर्शन। तब वो मानता है कि ना ये जगत गुरु है, ये भगवान है, और नहीं मान रहे, लेकिन वो मानता है क्योंकि वो विषाद में निकला। वो भयंकर विषाद, दुख पीड़ा संताप उसे छू रहा है, दुख पीड़ा संताप में वो उबल रहा है, दुख पीड़ा संताप की आग उबल रही है, उसमें हम तड़प रहे हैं, उसमें से कृष्ण उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसकी आंख जो है भीतर की, देखने की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं। पूरी की पूरी भगवत गीता है वो मार्गदर्शन है, दर्शन की शक्ति को बढ़ाने का मार्गदर्शन है कि किस तरह से ये जो तुम उबल रहे हो उसका क्या कारण है। कृष्ण ने बाकी के 17-18 जो अध्याय है, प्रकरण है, उसमें ये समझाते, लेकिन ये कब प्रकट होती है भगवत गीता में, समझा ये राम, जब अर्जुन विषाद अर्जुन को छूने लगता है। आज हम विषाद से भाग रहे हैं, दुख पीड़ा संताप से हम भाग रहे हैं, हम बायपास करना चाहते हैं दुख पीड़ा संताप। पहले तो साधक को समझना है। अभी जो संसार में उलझे हैं वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, अभी वो काम कर रहे हैं, वो अभी अनुभव ले रहे हैं, लेकिन जो साधक है, जो साधना में उतर रहे हैं, जो समझ रहे हैं साधना को, उसके लिए मैं कहूंगा कि तुम्हें नहीं भागना है, दुख पीड़ा संताप से नहीं भागना है,
कोई भी तकलीफ हो रही है, मन के रूप में भी तकलीफ हो रही है, तो तुम्हें ठहर कर जानना है कि क्या तकलीफ हो रही है, दर्शन की क्षमता को बढ़ाना है। अगर कृष्ण ने जो अर्जुन को जो शक्ति दी वो दर्शन की क्षमता, कि जब अर्जुन इतना घबरा जाता है, युद्ध में इतना घबरा जाता है, तुम देखो कैसी घटना बनी, कैसी घटना, कि युद्ध में दर्शन की शक्ति को जगाना, ऐसा युद्ध कि एक पल के बाद तुम्हारा शरीर रहेगा कि नहीं, वैसे तो हमारा सबका यही हाल है, लेकिन युद्ध में तो यह एकदम प्रगाढ़ हो जाता है कि कभी भी कोई भी तीर हमें छू सकता है, हमारे हार्ट को विंध सकता है, हमारा हृदय विंध सकता है। कैसी घटना हुई देखो इस पृथ्वी पर, पूरा युद्ध चल रहा है, उसमें कृष्ण जगाते अर्जुन को, अर्जुन विषाद में आ जाता है, इतने लोग, ये मेरे सारे सगे वाले, उसको मैं मारूं किस तरह से मारूं, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई मेरा काका है, कोई मेरा मामा है, ये सारे मेरे सामने, उसको मैं किस तरह से मारूं, ये भारे सगा संबंधी है सारे में। ये युद्ध का एक प्रकार है, हर मनुष्य युद्ध में से पसार होता है, युद्ध की जो जीवन की आग है, जीवन का जो युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध सब खेलता है, जिस प्रकार का हमारा जीवन है उस प्रकार से हम बाहर के जो जीवन है उसके साथ हमें लड़ना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। उसके बीच कृष्ण जगाते हैं, देखो दर्शन की क्षमता क्या है, किस तरह से जगा रहे, क्या संदेश है, कि जो हमें तकलीफ हो रही है वो ये तकलीफ हो रही है जीवन में, कि कुछ घटना होती है हमारे साथ, हमारे आसपास बनेगी बनेगी, इतना बड़ा अस्तित्व, इतने लोग, तो अनेक प्रकार की घटना हो सकती है, तो वो तो इसके अंदर इस तरह से दर्शन की शक्ति को जगाते हैं, कि जब तक मन है, मन का अर्थ है कि ये मैं चुन लूं, ये मेरा नहीं, मन का अर्थ है सीमित, मन का अर्थ है सीमित। अगर तुम्हें मन का स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो तुम्हें मन से ऊपर उठना पड़ेगा, मन के साथ नहीं। शरीर का स्वास्थ्य अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें शरीर से अलग होना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा अपने को, अपने को अलग करना पड़ेगा, तब शरीर निर्बोध हो सकता है। हम जरूरत से ज्यादा शरीर को दे रहे, उसे जो शक्ति चाहिए उससे ज्यादा शरीर को मिल रही, इसलिए शरीर बीमार हो रहा है। इसी तरह से मन, मन को पोषण मिल रहा है, कुछ पोषण मिल रहा है, और वो विचार इतने हो जाते हैं कि फिर वो हमें सता रहे। हमारे भीतर सीमित क्षेत्र है, उसमें से हमें विस्तार की ओर जाना है। ये जीवन ऐसा समझो परम जीवन की ओर बह रहा है ये जीवन। शरीर अगर हम कहें कि ये मृत्यु की ओर जा रहा है तो उसका क्या अर्थ है, शरीर बिखर रहा है। शरीर का जो ग्राफ है वो इस तरह से है कि एक समय तक शरीर बनता है, ऊपर जाता है ग्राफ, बनता है बनता है बनता है, और एक समय आता है, सब शरीर का अपना ग्राफ है, उसके बाद शरीर मिटना शुरू होता है अपने आप। तुम बाहर से चाहे कितना भरो, हजार भरो, लेकिन भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक क्षण के बाद, वो है बिखरना। तुम चाहे बाहर से कितना भोजन लो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर स्वीकारे तब। इसी तरह से मन, कि मन पर, मन जब तुम अपेक्षा पर काम करते हो, जिस तरह से शरीर होता है कि हम छोटे होते हैं, हम खाते हैं खाते हैं खाते हैं खाते हैं और शरीर बनता है, और एक क्षण के बाद जो मैं समझा रहा हूं कि शरीर अपने आप मिटना शुरू होता है, शरीर बिखरना शुरू होता है, बराबर वही घटना बनती है मन के साथ। विषाद है क्या, पहले तुम्हारे भीतर मन की शक्ति बढ़ती है बढ़ती, इच्छाओं के भीतर त्वरा बढ़ती है, त्वरा तुम समझो, आशा जो है वो त्वरा तुम्हारे भीतर, यहां से कुछ मिल जाएगा, यहां से कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे भीतर दौड़ चल रही है चल रही, और भीतर इतनी अशांति हो जाती है, इतनी एक पॉइंट आता है भीतर, उसके आगे तुम नहीं जा सकते, सबकी अपनी क्षमता है, उसके बाद ग्राफ नीचे जाने लगता है जिसे हम कहते हैं विषाद। विषाद का अर्थ है जिस तरह से हम ऊपर चढ़े, मन से ऊपर चढ़े, मन को हमने बनाया,
विचारों को हमने इकट्ठा किया, करते गए करते गए करते गए, विचार आते रहे, अनेक व्यक्तियों से आते रहे, हमारी अपेक्षा जगती रही, औरों की अपेक्षा हमारे ऊपर हावी होती रही। ये जो सारी प्रक्रिया बनती रही बनती रही बनती रही, इसके साथ विचार 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 हमारे भीतर बनते गए बनते गए। इसकी क्षमता है, संभालने वाली क्षमता है। उससे आगे अगर विचार बनते हैं तो फिर अराजकता पैदा हो जाती है। तुम देखो अंदर कि किस तरह से मन काम करता है, तुम जरा बैठ के देखो, अलग अलग समय में जो काम करता है मन, किस तरह से काम करता है। एक क्षण में विचार आता है, मुझे दिल्ली जाना है, राजकारण में काम करना है, मुझे प्रधान बनना, ये कर, एक विचार आता है। दूसरा विचार आता है, ना उसमें नहीं जाना, इसके बदले में एक धंधा कर दूं शुरू, फाइव स्टार होटल बनाना है। इसके साथ एक विचार आता है, ना ना ये सब तो साली मृत्यु लोक के, आज नहीं कल समाप्त हो जाएंगे, मुझे अब एनलाइटनमेंट ही चाहिए, सारों में पढ़ना ही नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, पैसा कमाना ही नहीं। एक मन करता है, क्या पता इस जन्म में मुक्ति मिले न मिले, इसके बदले पैसा तो इकट्ठा कर लो, इससे स्वाद मिल सकता है, भोजन बंगला गाड़ी। तुम देखो किस तरह से मन काम कर रहा है, किस तरह इतना अस्त व्यस्त मन है हमारा, इतना अस्त व्यस्त मन, वो हमारा मार्गदर्शक है, उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। इसमें कोई आ जाता है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। मन की अराजकता को समझना है कि मन का स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। चलो, मन का स्वास्थ्य का अर्थ है, मैं मेरे मन के सकंजे में नहीं, मन मेरे हाथ में। अगर तुम विष्णु के हाथ में चक्र देखते हो, मैं याद करवाऊंगा, पुरानी जितनी मूर्तियां उसके हाथ में तुम चक्र देखो, तुम स्मरण करो, इसका अर्थ है इसके हाथ में मन है। मन का अर्थ है वर्तूलाकार घूमना, और क्या है मन, वही की वही बात करता है, जब भी तुम बैठते हो वही की वही बात, वही की वही बात। तुम देखना अनेक प्रकार के लोग यहां आते रहेंगे, तुम मिलते रहोगे, तुम देखना कि वो क्या कर रहे हैं। जिसका अपना मन पूरा विसर्जित नहीं हुआ, वो वही की वही बात, कल भी वही बात की थी, आज भी वही बात, कल वही की वही पुनरावर्तित बात हो रही है। ये मन जिसके हाथ में चक्र दिखाया गया, उसका अर्थ क्या है कि मन का उपयोग हमें करना है, मन शक्ति है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने आता हूं, अब मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, तो मुझे मन का उपयोग करना पड़ेगा। जो शब्द है वो मन का उपयोग है, और जैसे जैसे भीतर जागृति बढ़ने लगती है, मन का उपयोग अलग ही हो सकता है। जब तक हमें पता नहीं है शरीर का, तो हम शरीर का उपयोग कुछ पता ही नहीं, जीवन के स्वाद का कुछ पता ही नहीं, तो हम बस बाजारू चीजें खा 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 के शरीर को मिटा देते हैं। और जब तुम्हें पता चलता है कि इस शरीर के साथ हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, फिर यात्रा बदल जाती है। वही मन जो विष्णु के हाथ में दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं संसार, तो पुराने जितने भी भगवान के रूप आप देखोगे, देव देवियों के रूप देखोगे, उसमें जो हाथ में चक्र है वो है कि संसार पर विजयी हो गए, उसके हाथ में आ गया संसार। मेरा मन जब मेरे हाथ में आ जाता है तो पूरा संसार मेरे हाथ में आ जाता है, तुम ऐसा समझो। जब मेरी इच्छा पर मेरा नियंत्रण हो जाता है कि इच्छा फिर मुझे सता नहीं सकती, इस तरह से जीवन जीने का ढंग मैं तुम्हें बताता हूं कि चलो तुम एक दिशा में काम करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मुझे ऐसा है कि हम जो बैठे उसके पास एक छत हो जानी चाहिए, अब जो लोग आगे भी आएंगे तो उसे बैठने के लिए सुनने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सो सके, और ऊपर एक छत। तो ये तो उदाहरण दे रहा हूं, समझ लो कि ऐसा मेरे अंदर से हो रहा है कि छत होनी चाहिए, अब ये छत नहीं बन रही है। किस तरह से काम करना है जीवन में, देखो मेरी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत बने तो मेरे अंदर कुछ बढ़ेगा नहीं, और छत न बने तो मेरे अंदर कुछ घटेगा नहीं। ये मन है, चलो ये मन का अर्थ है इच्छा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा है कि यहां एक छत होनी चाहिए, इच्छा कि जो है उसमें अभी मैं राजी नहीं, अभी एक छत होनी चाहिए। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, जो मैं तुम्हें बताता हूं कि
तुम्हारे हाथ में इच्छा आ सकती है, उसका क्या अर्थ है? चलो, विष्णु के हाथ में अगर चक्र है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है संसार चक्र उसके हाथ में, संसार चक्र का अर्थ है इच्छाओं का चक्र उसके हाथ में, भाव का चक्र उसके हाथ में। अगर ये छत न बनी तो मुझे हैरानी नहीं हो सकती, छत बनी तो वो मेरे अंदर कुछ बढ़ा नहीं सकती कि कुछ बढ़ गया मेरे अंदर, कुछ नहीं बढ़ा, और न बनी तो कुछ घटा नहीं। इस तरह से काम करना है, इच्छा के साथ जो काम करना है वो इस तरह से काम करना है। मैं तुम्हें वही कहूंगा, अगर कोई, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे 1 अबज रुपया कमाना है, जरूर कमाओ, उस दिशा में जाओ, वो तुम्हारा अगर भीतर से इच्छा है तुम्हारी तो तुम उस पर काम करना शुरू करो। लेकिन मेरा मार्गदर्शन है कि जो जीवन की क्षण हाथ में है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर 1 अबज रुपया की दौड़ है मेरी, वो कमाने में जा रहा हूं, तो आज का दिन मुझे नहीं बिगाड़ना है, आज का दिन मेरा अस्त व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि मैं अंदर से, मेरे अंदर कुछ अराजक हो गया, मुझे हैरान करने लगे। अगर मेरे भीतर आज की जो चिंता है वो मैंने आज साफ नहीं की, आज का जो भय है वो मैंने आज साफ नहीं किया, समझा नहीं, तो कल और बढ़ जाएगा। आज का भय कल आएगा, ऐड होगा, सरवाड़ा होगा इसका, भय का सरवाड़ा होगा भय के साथ, चिंता का सरवाड़ा होगा चिंता के साथ, आज की चिंता और कल की चिंता दोनों प्लस पॉइंट हो जाएंगे और शरीर कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा शरीर कम कमजोर होता जाएगा, और जो असत्य जिसे हम पोषण दे रहे वो बलवान होता जाएगा, अस्त व्यस्त भाव है उसकी शक्ति बलशाली हो जाएगी, भीतर विचारों की शक्ति को बल मिलता जाएगा और शरीर क्षीण होता जाएगा, फिर पार करना मुश्किल होता जाएगा। तो प्रत्येक दिन जो हमें काम करना है मानसिक स्वास्थ्य में, वो किस तरह से काम करना है कि आज की जो भी चिंता हमें सता रही है उसे आज ही पूरा करना है, आज हो सकती है, आज का भय है उसे आज ही समझना है, आज की चिंता है उसे आज ही समझनी, आज जो बोझमय लगता है, आज जो दुखमय लगता है। अगर तुम्हें किसी और को भी मदद करनी है, चाहे वो तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो, तुम्हारी मां हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, वो अगर मानसिक अस्वस्थता में है, डिप्रेशन में है, तुम किस तरह से उसे मदद कर सकते हो? करनी है, जो शक्तिशाली है उसे अपने को तो जगाना ही है, औरों को भी मदद करना है, क्योंकि वो भी हमारा ही भाग है। ये हमारी ना समझी है कि हमें लगता है कि नहीं, मैं एक ही और औरों का जो हो ना हो, ये हमारी ना समझी, हम सब एक है, भीतर से हम सब एक है। जैसे जैसे तुम जानते जाओगे, अपने को ऊपर उठते जाओगे, तुम पाओगे हर एक जीव का एक दूसरे के साथ संबंध है, हर एक जीव का। तो ये तो मनुष्य व्यक्ति साधक उसका तो बहुत गहरा संबंध है एक दूसरे के साथ। हम ये प्रार्थना करें, भावना करें, हर मनुष्य जीवन का परम स्वाद ले सके, जीवन को पूरी तरह से जान सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, जो मुझसे बोला, जिसने आपसे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं, मेरा वंदन स्वीकार करे, अस्तु।
तेरा काम हो गया फिर भी कल आना। चलो आवाज दो, दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा कंटाड़ो ईर्ष्या तिरस्कार द्वेष क्रोध आलो आनंद उल्लास प्रसन्नता उदारता प्रेम निर्भयता श्रद्धा विश्वास